ब्लॉक के साथ तो आज वाले ब्लॉक में ना लोग कहा जाते थे अपना मेरा आईडी कार्ड बनवाने के लिए मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो अब मेरी एज हो चुकी है आईडी कार्ड बना लें और वैसे भी कुछ काम था ज़रूरी इसके लिए आईडी कार्ड चाहिए था तो वो आईडी कार्ड बनवाना था तो सुबह सुबह जल्दी से उठे हम लोग पहले भी गए थे कि यहाँ पे अपना वो टाइम ही नहीं मिल रहा था तो अब हमारी गली का आप लोगों ने हाल देख ही लिया हुआ क्या बना हुआ था तो बस्तर इतना ज़्यादा पानी था ना और में जैसे कि सबको 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 पता है कि बारिश हुई है तो उसके बाद हम अपनी उस गली से पानी वाली गली, गली से निकल के थोड़ा था गया और यहाँ पे भी पानी काफ़ी ज़्यादा था लेकिन इतना नहीं था लेकिन वहाँ पर जो पानी था ना उधर जैसे हमने पाँव रखा मेरे समझ नहीं आया फिर करना क्या क्योंकि अभी मैंने इतना पानी आया ही नहीं गली में तो फिर उसको जोड़ा उसके बाद हम लोग रोड की तरफ गए वहाँ पर तो पानी इतना नहीं था लेकिन जो माहौल बना हुआ था इतना प्यारा जिस गारिश हुई हुई थी हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह क्योंकि हम इसे एक दिन पहले भी गए थे पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट के आई डी कार्ड के लिए लेकिन 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 वो ना मसला ये था कि टाइम ही नहीं मिला था पाँच पाँच सौ बंदे का टोकन लगा हुआ था उन्होंने खुद कहा था कि पाँच पाँच सौ बंदा तो हम लोग फिर वापस आ गए तो आज हम सुबह सुबह ही निकल गए थे ऊपर तो से कुछ तो बारिश हुई थी लोग आए नहीं हमारा काम शुक्र अलहमदिल्ला हो गया बाकी अब लोग पानी का हिसाब लगा लो कि क्या हुआ बारिश पानी लाहौल को तबाह कर दिया पानी ने एक साँग साँग देखा इतना इतना पानी उसके बाद आई डी कार्ड ऑफिस पहुँच गए थे उन्होंने कहा था कि फ़ोटो काफी करवानी वो फ़ोटो काफी कराने मैं आ गया था क्योंकि आई डी कार्ड ऑफिस के अंदर वो वीडियो बनाना नॉट अलाउड था बिल्कुल सख्ती से मना किया हुआ था फ़ोटो काफ़ी करवाया आई डी कार्ड अप्लाई करवाने के बाद हम लोग आ गए और काम आ गए थोड़ा सा तो यहाँ पे टाउनशिप की तरफ आए थे यहाँ मे नहीं मेन बाज़ार है और उस मेन बाज़ार का देख लो आप लोग के ये बिल्कुल ही ख़राब हुआ पड़ा सारा तबाह आती है बारिश डूबा हुआ था जब गाड़ी जैसे कि देख सकते तो डूबी है बाइक वहाँ जा रही थी बाइक वहाँ की बाइक रुक जानी थी तो उसके बाद हम लोग आ रहे थे वापस घर की तरफ ठीक है ना जैसे कि अगर देख ही सकते हो ये हम लोग नीचे में आ रहे थे यहाँ पे भी माहौल जो है प्यारा था सारे प्यारा, प्यारा था सब कुछ इसके बगैर आगे मैं देखा कि छत पर क्या है वाले आने वाला है तो छत पर आके देखा मौसम वही डार्क सा अजीब सा हुआ था वाह वाह चल रही थी उसके बाद नीचे आगे ना था नाश्ता नाश्ता करने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पास आगे सालन बहुत रेखा था जो कि और ये आगे ब्रक था तो बस इतने छोटे से मैंने नाश्ते की वीडियो बना लें और सच ना मैं पानी लेने गया था और दूसरी बात ये कि ना मैंने अब दोबारा से डेली लगाई पूरी कोशिश करनी तो एक दफ़ा एक ब्लॉग भी नहीं छोड़ना इन श्री सिक्स फाइव डेज थ्री सिक्सटी फाइव ब्लाग्स ये करेंगे हम लोग इन और ना मैं जल्दी गेमिंग वीडियोज भी ला रहा हूँ इसी चैनल पर तो आप लोगों ने बस जो देख रहा है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल पर बाकी मैं पानी लेने आया था बिल्डर पर बोतल लगा दी थी और इतना वो प्यारा होता है तो मैं छोटी सी इसकी भी एक वीडियो बना के आप लोगों को लगा दें कि वैदर को क्या इस मदे का वैदर हुआ था बहुत ही प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हम आचार इसे वो देख सकते जैसे लोग भी खड़े मैंने भी अपनी बोतल लगाई थी उसके बाद रात का टाइम हो गया था और मैं आया था ग्रोसरी लेने के लिए ग्रोसरी लेने के लिए आया था अपने दो बहन भाई के साथ था जो कि बहुत ही ज़्यादा शरारती और शरदान तंग करने वाले अभी वो भी आ जाएंगे नमाज नमूने दोनों तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ अभी बहुत प्यारा और बना हुआ था ज़्यादा कोई खास गर्मी नहीं थी आज गर्मी का तोड़ वैसे निकाल दिया था, था बारिश नहीं इतनी भी तबाक आ रही हैं कि है। लेकिन फिर हम लोग मेट्रो के अंदर पहुँच गए मेट्रो ग्रोसरी शो जिनको पता है वो बहुत अच्छा शो है बहुत बड़ा शो है मैं वहीं ऐसे ग्रोसरी देता हूँ वो देख सकते हैं जैसे दोनों सामने नमूने जा रहे हैं अभी नहीं यहाँ से अब एक स्कैम बने लगा मैं स्कैम का नहीं मसला पड़ने लगा कि मैंने ना यहाँ पर चीज़ें ली और मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा था मुझे कोई ध्यान ही नहीं था पहले तो लड़ाई देखो मैं बात बताता हूँ मेरे मेरे भाई की लड़ाई हुई है इतना पूरे पूरे ये देखा ये देखा मारना है मुझे अहो ओहो ये देखो मैंने भी तो काम आ ये भी मुझे मारा है अच्छा थोड़ा मुझे फिर याद आता कि मैं तो पैसे लेके आया ही नहीं मुझे इतना कुछ ज्यादा उस आता है मैं पैसे ही नहीं ले गया वॉलेट ही नहीं ले गया पैसा तो बाहर की बात है फ़ौरन में भागता हूँ रिक्शा लेता हूँ वापस गया ये तो पैदल ही आना था फ़ौर भाग भाग कि मैंने ये पैसे और मुझे गुस्सा इतना चढ़ा हुआ था के एफ सी मैंने देखा वो बंद था मैं बाहर जल्दी जल्दी के एफ सी की वीडियो बनाई बंद के एफ सी दिखा दूँ आप लोगों को पता नहीं क्यों उन्होंने पहले ही आज बंद करा दिया था क्या इनका भी पानी घुस गया उसके बाद मैंने करवाया बिल उसके बाद हम आ रहे थे घर वापस अगर हम लोग बागार लाइक करना सब्सक्राइब करें तब तक ये मुझे दी इजाज़त अल्लाह आप इन ना डे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तब तक के लिए मैं पूरी कोशिश करें कि डेली ब्लॉगिंग पूरी पूरी कोशिश करूँगा इतनी मैंने एक ब्लॉग भी नहीं छोड़ना आप लोगों ने भी मेरा साथ देना देखे लोग देखें लो जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर अपने दोस्तों के साथ भी तब तक के लिए अल्लाह